आप देख रहे हैं दखल न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली की। उन्होंने कहा, मैं देश को बताना चाहता हूं कि सीए के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, सीए के खिलाफ राहुल बाबा, ममता, अखिलेश, मायावती समेत सारी ब्रिगेड कांव कांव कर रही है। मैं लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं कि जिसे विरोध करना है करे, सीए वापस नहीं होगा। सीए के समर्थन में शाह की यह छठी रैली है। इससे पहले वे अहमदाबाद, जोधपुर, नई दिल्ली, जबलपुर, वैशाली में जनसभाएं कर चुके हैं। नागरिकता संशोधन कानून लेकर सीएए लेकर आए और इस सीए के खिलाफ राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड सीए के खिलाफ काउ 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 कर रहे हैं। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया हूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सीए क्या है, इसके खिलाफ प्रचार करा जा रहा है। सीए के कारण इस देश के मुसलमानों की, इस देश के माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी। सीए बिल को लोकसभा में मैंने पारित किया, मैं पायलट किया है। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो। हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार खड़ा। शाह ने कहा, राहुल बाबा, अखिलेश, ममता जी, बहन जी, सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार हूँ। अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी की भी नागरिकता चली जाए यह बता दीजिए। देश में कांग्रेस, सपा, बसपा और तृणमूल धरने और दंगे करवा रहे हैं। सीए में किसी की भी नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का प्रावधान है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में करोड़ों लोग रह रहे हैं, वहां अब अत्याचार हो रहा है। मैंने उनके दर्द को सुना है। सामूहिक बलात्कार किया जाता है, जबरन निकाह, धर्म परिवर्तन कराया जाता है, हजारों मंदिर गुरुद्वारे तोड़े जाते हैं। अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध के पुतले को गोले दागकर जीर्ण शीर्ण करने का पाप हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मंगलवार को पहली बार तोप का परीक्षण हुआ। खमरिया की फायरिंग रेंज में सारंग गन का परीक्षण किया। सारंग गन की क्षमता 30 किलोमीटर से ज्यादा है। परीक्षण में 4 फायर किए गए, जिसमें 15 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर 15 डिग्री पर फायर हुए। अब यह गन सेना को सौंपी जाएगी। सेना के अधिकारियों ने बताया कि लॉन्ग प्रूफ रेंज LPR खमरिया में अपग्रेड सारंग तोप का पहला परीक्षण किया गया है। LPR कमांडेंट निश्चित राउत के नेतृत्व में BFJ और GCF में बनी सारंग तोप का परीक्षण किया। तोप की मारक क्षमता 27 किलोमीटर से बढ़कर 39 किलोमीटर की गई है। दो गन्स लगातार फायर की जाएंगी, दो सारंग गन। पहली गन जो फायर हो रही है वो GCF की है, उसका नाम नंबर दिया जाएगा आपको। दूसरी गन जो है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर ने इंटीग्रेट की हुई है, उसका भी नाम नंबर दिया जाएगा। दोनों गन चार चार राउंड फायर करेंगी, अलग अलग एंगल्स पे फायर करेंगी, उसके बारे में आपको तकनीकी ब्रीफिंग दी जाएगी। दोनों गन के बीच में करीब 20 से 25 मिनट का वक्फा लगेगा, क्योंकि एक गन हटेगी दूसरी गन लगेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग धैर्य रखें और उसी टावर में रहें। ऐसा नहीं है कि ये गन सिर्फ 5 किलोमीटर मारक क्षमता इसकी 30 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा की, वो भी टेक्निकल डिटेल्स आपको मिलेंगे। राजगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सीए के समर्थन में रैली निकालने पर प्रशासन द्वारा की गई मारपीट में घायल हुए भाजपा कार्यकर्ता करोड़िया और दीपक मल से मिलने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई को निंदा की और कहा कि कलेक्टर चाहती तो शांतिपूर्वक तरीका निकाल सकती थी, लेकिन कलेक्टर द्वारा यह अमानवीय व्यवहार किया गया है। घायलों और बेहोश हुए लोगों पर लाठी चार्ज किया गया।
पूरे देश ने देखा क्या हुआ था और किसकी गलती थी। प्रहलाद पटेल ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मध्य प्रदेश को बड़ा नुकसान होगा। यदि ऐसे निरंकुश अधिकारियों पर, जिनको इतनी भी मानवीय और कानूनी समझ नहीं है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो मध्य प्रदेश का बड़ा नुकसान होगा, ये कमलनाथ जी को समझ में। प्रहलाद पटेल ने इस मामले में केंद्र के दखल को लेकर कहा कि बीजेपी चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है, एमपी में बीजेपी मजबूत है और कमलनाथ सरकार को करारा जवाब देगी। दिग्विजय के बयान पर उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह कुछ भी कहते हैं उन्हें इसका जवाब मिलेगा, उनको भी अतीत को पलट कर देखना पड़ेगा। हरदा में जिला योजना समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा अपना आपा खो बैठे। उन्होंने अपनी पार्टी के एक परेशान पदाधिकारी को अपनी समस्या रखने पर डांट कर भगा दिया। मंत्री शर्मा ने कांग्रेस नेता को जेल में बंद करने तक की धमकी दे दी। इसके बाद सत्ता की गर्मी से बौराए मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस नेता को कलेक्ट्रेट परिसर से बाहर करवा दिया। दरअसल हरदा के प्रभारी मंत्री पीसी शर्मा कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, वे लोगों की समस्याओं के आवेदन ले रहे थे। इस दौरान किसान खेत मजदूर कांग्रेस के प्रदेश सचिव शैलेंद्र वर्मा अपनी समस्या बता रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि आप जिनको मिठाइयां खिला रहे हैं वो मेरे साथ गुंडाई कर रहे हैं, बस फिर क्या था, सत्ता का नशा मंत्री पीसी शर्मा के सर पर चढ़ गया और पीसी शर्मा का असली रूप सबके सामने आ गया। पहले दिखाते हैं आपको पीसी शर्मा का वो वीडियो जिसमें कांग्रेस नेता की भरपूर बेइज्जती करते पीसी शर्मा नजर आ रहे हैं। सबसे परेशान हो गया, पागल हो गया मैं, आवेदन और निवेदन कर करके, और आप लोगों के लड़के हो, आप लोगों के साथ फोटो और आप मिठाई खिला रहे हो उनको, वो लोग मेरे साथ गुंडाई कर रहे हैं साहब, ये देखिए। नहीं सर, हम लोग बहुत नहीं सर, ऐसे नहीं चिल्लाओगे आप, नहीं ये कौन सी बात होती है, कौन सी बात होती है, खराब बात है सर, ये बिल्कुल अन्याय है सर, ये नहीं सर बिल्कुल अन्याय है सर, सर बिल्कुल अन्याय है सर, नहीं सर बिल्कुल अन्याय है सर, ये नहीं सर, नहीं बिल्कुल अन्याय दोगले जी, ये क्या हो रहा है आपके साथ, नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा सर, नहीं सर, नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा सर, दोगले जी मैं मुझे नहीं सर, नहीं सर, मुझे मार रहा, मुझे मार मुझे क्यों मार रहा, मुझे मार क्यों रहे हो, अरे मुझे मार क्यों रहे हो, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं नहीं क्यों ले जाऊंगा, मुझे मुझे इस हंगामे के दौरान कांग्रेस नेता वर्मा ने पीसी शर्मा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, साथ ही उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर चापलूसी करने का आरोप भी लगाया। पीसी शर्मा के बर्ताव से कांग्रेस नेता की हालत खराब थी, उनको डर था कि पीसी शर्मा उनको बिना कसूर के जेल न भिजवा दें। मंत्री जी ने मेरे को डांट के भगा दिया, पूरे थाने में बंद कर दो, अरे साहब आप तो सरकार के आदमी हो, आपको तो समस्या सुनना है, आप भी तो कांग्रेस के हैं, मैं कांग्रेस का प्रदेश महासचिव किसान कांग्रेस का, और संदीप दीक्षित जी ने मेरी नियुक्ति की है, और ये लोग इस प्रकार से मेरा व्यवहार कर रहे हैं, मेरे को अब ये जेल भेजेंगे देखना। तो कांग्रेस के और भी नेता वहाँ खड़े थे, उनने भी कोई नहीं कुछ बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहा, चापलूस है। इस हंगामे के बाद किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव शैलेंद्र वर्मा इस कदर भयभीत नजर आए कि बाद में उन्होंने मंत्री पीसी शर्मा से माफी तक मांगी, जबकि वीडियो बताता है कि इस घटनाक्रम में गलत बर्ताव मंत्री जी कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस नेता शैलेंद्र वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे साथ हो रहा है अन्याय, मेरी सरकार, पीसी शर्मा जी आपके इस बर्ताव को आपकी पार्टी के नेता तो सहन कर लेंगे लेकिन जनता सहन नहीं करेगी, बाकी आपकी मर्जी। जिला योजना समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। मंत्री जीतू पटवारी और बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के बीच जमकर बहसबाजी हुई। दोनों नेता एक दूसरे पर आंखें तरेरते हुए नजर आए। इन दोनों में पहले बैठने की बात को लेकर, फिर अतिक्रमण और गंगा इंडस्ट्री की जांच की बात को लेकर बहस हुई। ऐसे में देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी से भी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की बहस हुई। बैठक में जीतू पटवारी ने कहा, सांसद जनप्रतिनिधि है, उसने व्यक्तिगत रूप से मेरा अपमान किया है, इसका सबक सही समय पर इन्हें दिखाना है। ये सुनकर बीजेपी सांसद ने कहा, देवास शाजापुर लोकसभा के 18 लाख मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं ये। कांग्रेस जिस प्रकार का अन्याय यहाँ पर कर रही है देवास की जनता पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, वो विषय को मैंने उठाया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसने अतिक्रमण किया है कार्रवाई की जानी चाहिए थी मगर कार्रवाई नहीं हुई है तो आप मुझे नाम दीजिए। तो मैंने तभी एक गंगा इंडस्ट्री जिसकी लगातार मेरे पास शिकायत आ रही थी, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि गंगा इंडस्ट्री किसकी है,
लेकिन लगातार उसकी शिकायत आ रही थी कि गंगा इंडस्ट्री ने वहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया कि गंगा इंडस्ट्री की जांच करवाई जाए और अतिक्रमण को हटाया जाए। इसी बात को लेकर वहाँ पे जो दलाल सज्जन सिंह वर्मा, जो कमलनाथ सरकार की दलाली करता है, उसका कोई अनाधिकृत प्रतिनिधि वहाँ पर बैठा हुआ था, वो इस बात को लेकर भड़क गए। उन्होंने मेरा अपमान किया और साथ ही देवास शाजापुर के उन 17 लाख मतदाताओं का अपमान किया जिन्होंने मुझे चुना, और वहाँ पर मेरी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। जो कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का अनाचार अत्याचार यहाँ की जनता और कार्यकर्ता के ऊपर कर रहे हैं, उस आवाज़ को उठाने नहीं दिया गया, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। बैठक में बहस के दौरान मंत्री पटवारी ने सांसद से कहा कि नियमों के तहत मैं आपको उठाकर इस बैठक से बाहर कर सकता हूं। अगर हमारी समझ इतनी कम है, सांसद बनना मोदी जी के लहर में बन गए, पर अपना व्यक्तित्व ये प्रमाण पत्र आपको देने के लिए जनता ने मुझे चुना, ये तरीका सामान्य ज्ञान आप सामान्य ज्ञान आपके दूसरा चालू करना चाहते हमको आता कॉलेज प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे किसी ने आगे बिठाई दिया ऐसा यहाँ पे बाहर कर सकता हूँ के बाहर कर सकता हूँ सांसद हूँ यहाँ सांसद है तो आप देवास की जनता की आवाज उठाने के लिए बैठा हुआ हालांकि अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों शांत हुए और बैठक शुरू की गई। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद एक बार फिर पटवारी और सोलंकी में विवाद बढ़ गया। सूचना मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इससे पहले भी जियोस की बैठक में पटवारी और सोलंकी के बीच विवाद हो चुका है। बैठक के बाद पटवारी ने कहा, सांसद जी जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे, बार बार हाथ और उंगली दिखाकर बात कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि इस पद की गरिमा होती है, आप जज की भूमिका में यहाँ आए हैं। मैंने ये कहा कि विधायक जी जिस तरीके से तू तू तेरा तू करेगा, बार बार सांसद जी बार बार इस तरीके से भाषा बोल रहे थे, हाथ और उंगली दिखा रहे थे, वीडियो में आप लोगों के आ गया होगा, तो मैंने कहा कि ये किस पद की गरिमा होती है। तो फिर उन्होंने जो वक्तव्य दिए उसको लेकर मैंने कहा कि ये ऐसी भाषा बोलना किसी पद के लिए नहीं होता है, आप इसकी अपेक्षा आपसे नहीं थी, आप जज की भूमिका से यहाँ आए हैं। कांग्रेस की सत्ता और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बनाई गई समिति में शामिल किए जाने पर जीतू पटवारी ने कहा कि संगठन अच्छा कार्य करे, इसका यही उद्देश्य है। कार्यकर्ताओं के कारण सरकार बनी है, इसके लिए सत्ता और संगठन में बेहतर समन्वय होना जरूरी है, जिसके कारण समिति बनाई गई है। हर पार्टी का अपना काम करने का एक तरीका होता है। मेरे साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस महासचिव ज्योतिराज सिंधिया, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और मीनाक्षी नटराजन भी समिति में शामिल हैं। राजगढ़ में कलेक्टर के मारपीट को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा महिला अधिकारियों के साथ जैसा व्यवहार किया गया वो निंदनीय है, प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो जो हुआ वो गलत है, महिला अधिकारियों के बाल खींचे गए वो पूरी तरह से गलत है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की है। राजगढ़ की जहाँ तक घटना का सवाल है, एक महिला ऑफिसर के साथ बदतमीजी करना, बाल खींचना, और नेचुरल है कि कुछ भी परिस्थिति बने अधिकारियों को उस परिस्थिति में, और ख़ासकर महिला अधिकारी को जिस परिस्थिति में एक तरह से जो व्यवहार हुआ वो निंदनीय है। और राजगढ़ की जो भी घटना हुई, मैं मानता हूँ कि जो प्रशासनिक दृष्टि से वैसा नहीं होना चाहिए, पर एक महिला अधिकारी के साथ इस तरह का सलूक भी कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ख़ासकर जो पूर्व विधायक थे उन्होंने किया, ये भी ठीक नहीं है, हम इसकी निंदा भी करते हैं और कानून अपना काम भी करते हैं। अहिंसा संस्कार पद यात्रा के प्रणेता आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज इन दिनों ग्वालियर प्रवास पर हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम धर्म की चिंता करो, तुम्हारी चिंता चिंतामणि हो जाएगी। CAA और GST पर चर्चा करते हुए प्रसन्न सागर महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इन दोनों चीज़ों को लागू करके वो काम करके दिखा दिया है जो 50 सालों में कोई नहीं कर पाया। गौरतलब है कि आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ग्वालियर में जनमंगल महोत्सव कार्यक्रम के तहत आए हुए हैं। इसके साथ ही वे जनमंगल महोत्सव की विचारधारा को आम जनता के बीच प्रतिपादित कर रहे हैं।
मैं मोदी जी से प्रभावित नहीं हूँ, मैं उनके कार्य से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी क्रियाओं से बहुत प्रभावित हूँ। क्योंकि जो मोदी जी ने या अमित जी साहब ने जो GST का प्रावधान दिया है, निश्चित कुछ चीज़ें प्रारंभ में गलत लगती हैं लेकिन उनके अंजाम पीछे बहुत अच्छे हैं। कुछ चीज़ें प्रारंभ में बहुत अच्छी लगती पर उनके अंजाम गलत निकलते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जिनको समझ में नहीं आया वो इस चीज़ का, नागरिकता का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सत्य यही है कि आने वाले 3-5 साल बाद ये सारी बातें अमृत जैसी लगेंगी कि उन्होंने जो देश के लिए किया है 50 साल में आज तक कोई भी नहीं कर पाया, जो मोदी जी अमित जी ने किया है। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाली पथरिया से BSP विधायक रामबाई का मेले में मस्ती करने का वीडियो जमकर सुर्खियां पटोर रहा है। मेले में रामबाई ने जब बच्चों को मस्ती करते देखा तो खुद को नहीं रोक पाई और बच्चों की तरह वह भी मेले का लुफ्त उठाने लगी। इस मौके पर रामबाई बच्चों के अवतार में नजर आईं। पथरिया में चल रहे मेले में रामबाई ने बच्चों के साथ झूलों का आनंद लिया। इस दौरान रामबाई ने कहा कि उनका मन है कि वे भी बच्चा बन जाएं और सभी बच्चों संग झूला झूलें, दिन भर मेले में मस्ती करें। मेले में बच्चों के संग मस्ती करते हुए रामबाई राजनीति नहीं भूली। उन्होंने कहा कि मैंने शंकर भगवान का अभिषेक किया और भगवान से प्रार्थना की कि कमलनाथ हमेशा मुख्यमंत्री बने रहें और वो उनके साथ रहें। बहुत मजा आ रहा, मुझे लग रहा कि बिल्कुल मैं भी बच्चा बन जाऊं और दिन में सुबह से लेकर शाम तक मात्र झूला झूलू, मेला घूमू, और सब उधर मतलब इसी क्षेत्र के सब बच्चे हैं इनके ही साथ झूल रहे हैं और महिलाएं बच्चे भी बहुत आ रहे हैं गांव के, हम लोग साथ में ही झूल रहे सब। इधर कोई ऐसा नहीं है कि हम विधायक हैं, जो सब एक है। मैंने शंकर जी का भी अभिषेक किया है और वरदान मांगा है कि हमारे कमलनाथ जी CM बने रहें, जब तक वो धरती पर हैं आखिरी सांस तक हमारे कमलनाथ जी CM बने रहें और मैं उनके साथ बना रहा। सरकार के अफसरों ने माफिया के नाम पर आम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। इससे सरकार के खिलाफ आम लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। यह मामला सरकार तक पहुंचा तो CM कमलनाथ और चीफ सेक्रेटरी ने संभाग के कमिश्नरों को पत्र लिखा है। सभी कमिश्नरों के तहत जो कमेटी बनेगी उसमें ये निर्देश दिए जाएंगे। जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा ने कहा कि अब तक 1 लाख तक के ऋण माफी हो चुकी है, बाकी 1 लाख के लिए 30 जनवरी के बाद अभियान शुरू होगा। आकांक्षा संदेश मुख्यमंत्री जी का भी है और चीफ सेक्रेटरी साहब मोहंती जी ने भी कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि माफिया के चक्कर में आम आदमी को परेशान न हो, ये देखें। और कमिश्नर जो संभागीय कमिश्नर हैं उनके दस्तावेज जो कमेटी बनेगी वो देखेगी कि माफियाओं के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है या आम आदमी परेशान हो रहा है। तो ये संदेश आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने विदेश यात्रा से वहीं से भेजा है और निश्चित तौर पर जो अधिकारी कर्मचारी नीचे जो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और जो एक्शन प्लान बने उसमें ये सब चीज़ें अच्छे से देख ली जाए। छत्तीसगढ़ में सरिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा से लगे ग्राम कंचनपुर में घेराबंदी कर एक विस्फोटक से भरी बोलेरो बरामद की है। ओडिशा से आ रही बोलेरो में 7 बोरी अमोनियम नाइट्रेट, 700 डिटोनेटर, 1 बंडल सेफ्टी वायर ले जाया जा रहा था। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि इतनी संख्या में डिटोनेटर और अमोनियम नाइट्रेट बिना किसी वैध कागजात के परिवहन किया जा रहा था। जहां से ये विस्फोटक बरामद किया गया है वो नक्सली इलाका है, इस लिहाज से मामला बेहद संगीन हो जाता है। आरोपी ओडिशा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 3 लाशें मिलने से रुआबांधा इलाका चौंक गया। जिस मंजू नाम की महिला की लाश मिली है वह इसी घर में रहती थी, 1.5 माह की बच्ची भी उसी की है, लेकिन पुरुष की लाश की पहचान नहीं हो पाई है, वह मंजू का पति नहीं है। पुलिस के मुताबिक मंजू की मां को किसी ने मंजू के ही मोबाइल से फोन कर कहा कि तुम्हारी बेटी और दामाद दोनों जल रहे हैं, आकर देख लो। इस फोन के बाद मंजू की मां वहां पहुंची तो कमरे में 3 शव मिले। ये बात भी सामने आ रही है कि मंजू की ये दूसरी शादी है। घटना के बाद से उसका पति रवि गायब है। पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि जिस व्यक्ति की लाश मिली है वह मंजू का प्रेमी हो सकता है। मंजू का पहला पति भी भिलाई में ही रहता है। पुलिस इस मामले में संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। ये बात भी सामने आ रही है कि दोनों को पहले मारा गया और उसके बाद उनके शवों को बांधकर जला दिया गया। इस दौरान 1.5 माह की बच्ची भी कमरे में मौजूद रही होगी जिसकी दम घुटने से मौत हो गई या उसकी भी हत्या कर दी गई।
सिंगरौली की बेड़न में कोतवाली पुलिस टीम ने एक पेशेवर बदमाशों के गिरोह को गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी सराफा व्यापारियों से लूट की योजना बना रहे थे। टीआई अरुण पांडे ने मुखबिर की सूचना पर मौके से 5 बदमाशों को घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और चोरी के उपयोग में लाए जाने वाले औजार, छेनी, हथौड़ी, रेती सहित एक इंडिगो कार भी जब्त की। आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई, जिसके बाद आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। सीएसपी अनिल सोनकर का कहना है कि ये सभी शातिर अपराधी हैं, इनके खिलाफ लूट चोरी जैसे गंभीर अपराध दर्ज हैं। बीती रात थाना प्रभारी कोतवाली बैढ़न श्री अरुण पांडे जी की वो सूचना मिली थी कि 5 बदमाश हथियारबंद डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर 3 पार्टी बनाकर रात में ही उनको घेराबंदी करके दबिश की गई। बदमाश जो है हथियारों से लैस होकर के योजना बनाते पकड़े गए, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से जो है एक एंडिका कार, एक कट्टा, कारतूस और तलवार आदि हथियार जो है उनसे बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। रीवा में नेशनल हाईवे 30 के चाक घाट चौराहे पर तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और उसने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक शिव भारत मांझी बघेड़ी निवासी बताया जा रहा है, जो कि बालक स्कूल चाक घाट में शिक्षक के रूप में पदस्थ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक सहित चालक को अपने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे लगे गोमती और ठेलों को भी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में ले लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नक्सल प्रभावित इलाके जगदलपुर के मूर्ति लाइन बंगाली पारा में स्थित एक मकान से जिंदा कारतूस और मैगजीन मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना बोधघाट पुलिस को दी। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि लावारिस घर के अंदर रखे बैग में एसएलआर गन की मैगजीन और जिंदा कारतूस रखे हुए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इसे जब्त कर लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। अभी 1 घंटा पहले सूचना मिली थी कि एक लावारिस मकान है यहाँ पर मूर्ति लाइन में बंगाली पारा में, वहाँ पर एक बैग में एक मैगजीन मिला है जिसमें जिंदा कारतूस है, जिसकी तस्दीक कर रहे हैं हम लोग, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और जांच उपरांत ही कुछ कहा जाएगा इसमें। तीनों आरोपी लुटेरे उधारी चुकाने और अपने शौक पूरा करने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे। इस बार भी लूटी गई राशि में से कुछ राशि इन लुटेरों ने खुद के ऊपर खर्च कर ली। आरोपी दुर्गेश का कहना है कि उसकी माँ से उक्त एजेंट समूह लोन की किस्त मांगने घर आकर बार बार परेशान करता था। इसी बात को लेकर उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई और फिर उसे लूट लिया। टीआई विक्रम रजक ने बताया कि 10 जनवरी को आईडीएफसी बैंक के एजेंट महेंद्र परसवार दोपहर 1 बजे समूह लोन की किस्तों का कलेक्शन कर बीटीआई रोड से बालागंज तरफ आ रहा था। इसी दौरान एक सिल्वर काले रंग की बिना नंबर की एक्टिवा पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने चाकू की नोक पर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और 80,850 रुपए लूट कर फरार हो गए। फरियादी की रिपोर्ट पर कोतवाली में लूट का प्रकरण दर्ज किया गया था। 10 जनवरी को दोपहर 1:20 पर पीटीआई रोड पड़ता है होशंगाबाद में, वहाँ एक समूह लोन एजेंट हैं महेंद्र पारसकर, आईडीएफसी बैंक के हैं, ये अपना लोन कलेक्शन करके आ रहे थे तो रास्ते में 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा इनको लूटा गया था। उनसे 80,800 रुपये छीने गए थे, बैग में रखे थे तो उसके बाद फरार हो गए थे। रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया था 392 का और उसके बाद से लगातार अज्ञात जो आरोपी थे उनकी तलाश की जा रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर बीटीआई के जो 3 लड़के हैं दुर्गेश है, नितिन है और आकाश है, इनको संदेह के आधार पर उठाया था। तो जो भी तथ्य प्रकाश में आए थे उसके आधार पर इन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है जुर्म करना और इनसे लूट का पैसा, लूट में उपयोग की गई गाड़ी एक्टिवा गाड़ी और उसका जो बैग लूटा था एजेंट का वो बरामद किया। टीआई रजक ने बताया कि दुर्गेश पर यह संदेह हुआ कि वह उधारी के पैसे तेजी से बांट रहा है और खुद के शौक पर भी काफी पैसा खर्च कर रहा है। पूछताछ में दुर्गेश ने जुर्म कबूल कर लिया और अपने 2 अन्य साथियों नितिन व आकाश यादव के भी शामिल होने की जानकारी पुलिस को दी।
तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश भर के कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की ये तीसरी कड़ी थी, जिसे देखने और सुनने के लिए राजनांदगांव के स्कूलों में व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने राजनांदगांव के विभिन्न स्कूलों में व्यापक तैयारियां की और प्रोजेक्टर के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण दिखाया गया। प्रधानमंत्री जो है वो अच्छा बता रहे हैं कि विकास कैसे होगा ये सब, और जितने भी पढ़ाई के क्षेत्र में है वो सबके जानकारी मिलती है। हम लोग को प्रधानमंत्री जी ने यह प्रेरणा दिया है कि एक बात बोले उन्होंने कि लाइफ में ना केवल परीक्षा का अंक ही हमारा वो नहीं होता टारगेट, उससे वो एक पड़ाव है हमारी ज़िंदगी का, उसमें हमको सीख मिलती है, ज़िंदगी जीने का एक आधार मिलता है उससे कि अपने ज़िंदगी में कैसे तकलीफ़ों को दूर करें। यही अब हमारे साक्षरता का मतलब ज्ञान का परीक्षा हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करते हुए उनके साथ मूल्यवान सुझावों को साझा किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने शिक्षकों और अभिभावकों को भी संबोधित किया। छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रखना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री जी बच्चों से, देश के युवाओं से बात करना चाहते थे। इस संबंध में आज हमने जिले में भी परीक्षा पे चर्चा को लेके सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया था कि अपने यहाँ जो उपलब्ध आईटी के संसाधन हैं उनके माध्यम से सभी विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था करें, और इससे बच्चे निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे और उन्हें एक मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का बृहद अनुभव है और उनका विशाल दृष्टिकोण है, जिससे वो विद्यार्थियों को अवगत कराने वाले। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।